क्वेश्चन नंबर 34। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है ओ पी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है तो साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको देखना है कि हमें गिवन क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल पी पर है, ये राइट एंगल है। ओपी 7 सेंटीमीटर है, ओ मार्क कर देते हैं ऊपर, पी हो गया और ये 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यदि हम ओ पी क्यू और क्यू एंगल यहाँ मार्क कर दें तो ये एंगल के रेशियो में हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास दो साइड का डिफरेंस गिवन है, एक साइड गिवन है, तो थर्ड साइड हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए साइन थीटा के लिए। बट हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आकर प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और उससे हमें ये साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो यदि हम देखेंगे तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में पी राइट एंगल है तो यहाँ हमारे पास जो साइड होगी उसको लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ ओ क्यू और पी क्यू का जो डिफरेंस है या सम है हम उसको लिख लें तो यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी और ओ पी हमें गिवन है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दें। यहाँ ओ क्यू और ओ पी में यदि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि ओ क्यू प्लस पी क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 49 हो गए। मीन्स ओ क्यू माइनस ओ पी की जो वैल्यू है वो आपको 1 सेंटीमीटर गिवेन है। यदि हम ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 कर दें और इक्वल टू 49 हो गया तो यहाँ ओ क्यू प्लस पी क्यू का जो वैल्यू है वो 49 हो गया। और हमारे पास जो ऑलरेडी गिवेन है ओ क्यू माइनस पी क्यू का रिजल्ट वो है 1। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और 2OQ इक्वल टू 50 आएगा। OQ की वैल्यू आएगी 50/2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यदि OQ 25 सेंटीमीटर है तो OQ प्लस पी क्यू इक्वल टू हमारे पास 49 था, OQ को हम डालेंगे 25 तो PQ की वैल्यू आपके पास 49 माइनस 25 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से आपके पास PQ की लेंथ आ गई, OQ की लेंथ आ गई और OP ऑलरेडी पहले से गिवन था तो जो हमें साइन थीटा चाहिए तो इसे लिखेंगे साइन क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स OP अपॉन OQ। अब OP हमारे पास 7 था और OQ जो आपने फाइंड आउट किया है वो 25 है तो यदि हम 7/25 लिखेंगे तो इट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से हो जाएगा।